बर्ड एंड द बर्ड एंड द होम ऑफ द बी फॉर ऑल द थिंग्स दैट वी हेयर और सी। ओके, तो इसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बता दी है, अब हम इसके नीचे चलते हैं। ओके, अब आप जैसे सोनम थी वैसे सोनम आप पहले रीड करो। जी मैम, वी थैंक यू गॉड फॉर द ब्लू स्ट्रीम एंड द ब्लू स्काई, फॉर द शेड्स ऑफ ट्रीज एंड फॉर द माउंटेन्स हाई। वी थैंक यू गॉड फॉर द एयर फॉर सो फ्रेश, द कूल ब्रीज, फॉर द ब्रांचेस हाई एंड द सेम ट्रीज। वेरी गुड अलीना। यस मैम, वी थैंक यू गॉड फॉर द ब्लू स्ट्रीम एंड द ब्लू सिक फॉर द शेड्स ऑफ देयर्स एंड फॉर द मॉन्स्टर्स। वी थैंक यू गॉड फॉर द एयर सो फ्रेश, यानी हवा होती है। यस मैम, क्या मैम इसका मतलब हवा होता है। ओके मैम, सो फ्रेश द कूल ब्रीज फॉर द ब्रशेस हाई एंड द स्विंग ट्वील्स। गुड, आपने बहुत अच्छा रीड किया। ओके, अब रुकिया आपकी बारी है। वी थैंक यू गॉड फॉर द ब्लू ट्रेन एंड द ब्लू स्काई फॉर द शांस ऑफ सन्स ऑफ ट्रीज एंड फॉर द म्यूटेंस हाई। वी थैंक यू गॉड फॉर द एयर सो फ्रेश, द कूल ब्रीज फॉर द ब्रांचेस हाई एंड द स्विंग ट्री। ओके, अब मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ऊपर वाला मैंने एक्सप्लेन किया था, अब ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस मैम, मैं करूं? जी, थैंक यू गॉड, हमें खुदा का शुक्र, हम खुदा का शुक्र करते हैं फॉर द ब्लू स्ट्रीम एंड द ब्लू स्काई। नीला, मैं आपसे पहले बोला था कि मेन मेन चीजें आपको बतानी होती है, जैसे वो थैंक यू कर रहे हैं ब्लू बादलों का, नदियों का, शीप्स का, माउंटेन्स का, इन सब का, हमें फ्रेश हवा देने के लिए, फ्रेश इन सब चीजों के लिए हमें, हम गॉड को थैंक यू करते हैं। जो जो ट्री होता है वो हमें ताजा ताजा ऑक्सीजन देता है, और जो ऑक्सीजन हम छोड़ते वो ट्री लेता है और फिर उनको फ्रेश करके देता है। तो हम एक बार इसको और भी देख लेंगे, क्योंकि इसके आगे इसका क्वेश्चन आंसर है, तो उसमें आप लोग रुको ना, इसीलिए अब अपने फोन को थोड़ा जूम कर लो आप सब, जिससे आपको आपकी इमेज बड़ी दिखे, और इसको हम बस लास्ट बार एक बार कोई रीड करेगा अच्छी तरह, जिससे सारे बच्चे समझ जाएंगे कि मेनली इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है मैम, मैं करूं? हाँ आप करो। ओके मैम, वी थैंक मैम करो। हाँ हाँ करो। वी थैंक यू गॉड फॉर फ्लावर्स दैट ब्लूम अबाउट आवर फीट, फॉर द टेंडर ग्रेस सो फ्रेश एंड स्वीट। वी थैंक यू गॉड फॉर द सॉन्ग ऑफ द बर्ड एंड द हम ऑफ द बी, फॉर ऑल द थिंग्स दैट वी हेयर और सी। वी थैंक यू गॉड फॉर द ब्लू स्ट्रीम एंड द ब्लू स्काई, फॉर द शेड्स ऑफ ट्रीज एंड फॉर द माउंटेन्स हाई। वी थैंक यू गॉड फॉर द एयर सो फ्रेश, द कूल ब्रीज, फॉर द ब्रांचेस हाई एंड द स्टेइंग ट्रीज। वेरी गुड, तो
आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। पहले के समय में आप सब देखो कि हमारा जो एयर है, जो वातावरण है, वो कितना ज्यादा शुद्ध होता था। उसमें कितने घास होते थे, पेड़ होते थे, चिड़िया होता था, एनिमल्स होते थे, बर्ड्स होते थे, कितना कुछ होता था पहले। लेकिन अब ये सब नहीं रहा आपके समय में। अब बहुत कुछ हमारा जो हम जिस चीज को सांस लेते हैं उसमें कितना ज्यादा प्रदूषण हो गया है। यस मैम, यहाँ पर हमें कुछ बता रखा है, तो चलो हम इसको रीड करते हैं। तो इसको रीड करेंगी रुकैया। वी थैंक यू गॉड फॉर आवर मदर्स लव, फॉर आवर फादर्स केयर, फॉर आवर ब्रदर्स strong and our sister fair, for the love at home and at school, at school each day. We thank you God for everything. Okay. तो अलीना, आप मेरी आवाज सुन रही हो? ओके अलीना, आप पीछे से सारे बच्चे एक बार रीड करेंगे। मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आप सभी को पीछे से रीड करना है। वी थैंक यू गॉड, अपना माइक सबको अनम्यूट कर दो और मुझे सुनाई देना चाहिए आप सभी का आवाज। वी थैंक यू गॉड, वी थैंक यू गॉड फॉर आवर मदर्स, फॉर आवर मदर्स लव, फॉर आवर फादर केयर, मतलब है हमें थैंक यू कर रहे हैं गॉड को हमारी मम्मा के प्यार के लिए, पापा की केयर के लिए जो हमारी देखभाल करते हैं, फॉर आवर ब्रदर स्ट्रॉन्ग, एंड आवर सिस्टर फायर, एंड आवर सिस्टर फायर, फॉर द लव एट होम, We thank you God for everything. आप सभी को सुबह उठते ही और रात में सोने से आपको हमेशा एक लाइन बोलनी चाहिए, वी थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। मतलब भगवान आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें इतना कुछ दिया। एवरीथिंग यानी सब कुछ होता है, तो आप कौन से शब्द का प्रयोग करोगे? वी थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, वी थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, वी थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ये आप ना दिन में जितनी बार बोलोगे ना उतनी बार बहुत अच्छा रहे, तो कोशिश किया करो कि आप बोला करो, ठीक है? अब हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या आया है, ये क्वेश्चन रीड करो। We most pay thanks to take the correct यहाँ पर आपको दे रखा है, we must pay thanks to, तो हम किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको दे रखा है elders और teachers। मैम बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर दो। God number three, गॉड्स यानी भगवान, एक भगवान होता है ना, तो हम या गॉड बोल सकते हैं, जी ओ डी, गॉड ये भी बोल सकते हैं, गॉड गॉड। ओके, हमारा सेकंड वाला सोनम बताएंगी, तो सोनम बताओ सेकंड वाला। इन द फर्स्ट स्टेंस ऑफ द पोइम द पोइम थैंक्स फॉर गॉड फॉर मैम मैम ब्लोइंग फ्लावर्स, वेरी गुड। ओके रुकैया, नेक्स्ट वाला आप बताओ। यहाँ पे पूछा इन द सेकंड, जो सेकंड लाइन थी उसमें पोयम का कौन सा वर्ड, मतलब कौन सी चीज यूज हुई। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखे हैं, तो आप बताओ। mm-hmm.
तो भैया कोशिश करो. यस मैम. ओके एक बार हम देख लेते मैम. फिफ्थ वाला मैम मैं बताऊं. फोर वाला. फिफ्थ वाला नहीं मैम, फोर वाला. फोर वाला. यस मैम. ओके हाँ सोनम आप बताओ. मैम इट्स सिंगिंग बर्ड. सिंगिंग बर्ड. ओके चलो कोई नहीं, एक बार हम सबकी तसल्ली के लिए एक बार और देख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके मैम. हमारा आज पहला चैप्टर है तो इसमें प्रॉब्लम होगी. ओके पहला वर्ड हमारा फ्लावर था जो सोनम का बिल्कुल सही गया. सेकंड था हमारा बिल्कुल सही गया था लीना रुकैया का भी. रुकैया ने बिल्कुल सही बोला था, बल्कि सोनम का इस बार गलत चला गया. ओके तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं. ओके यहाँ पर अब हमारा आया है, क्या आया है, कोई रीड करेगा इसमें? मैं करती हूँ. अलीना करेगी. अलीना. ओके मैम. ओके मैम. तो वो थैंक यू गॉड फॉर इस मदर्स लव इन द. ओके अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको सही करना है. यस यस मैम. मतलब यहाँ पर आपको ये मदर वाला कौन से पोयम में दे रखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड या नॉन ऑफ दिस? मैं बताऊं? मैं फर्स्ट वाला नहीं मैम, थर्ड में दिया था. थर्ड वाला. रुकैया का जवाब है थर्ड. सोनम का जवाब है फोर्थ. मेरा जवाब है सेकंड. ओके लीना का जवाब है सेकंड, जो इन तीनों का ही गलत है. वो कैसे? चलो हम देखते हैं. क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला था ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नहीं बोला गया है, आपको बोला गया है नीचे. यानी हमारा किस पे आंसर था? किस पे आना चाहिए था हमारा? गॉड पर. गॉड पर. मैम समझे नहीं. मैम हाँ नहीं समझी है, कोई बात नहीं. हमारा आना चाहिए था नॉन ऑफ. अब यहाँ पर हमारा ओके है वर्ड ऑफ. यहाँ पर आपको ये वर्ड दे रखे तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि पोयम में कौन कौन से वर्ड थे. एक एक दो दो ये पूरे आपको दे रखे हैं इसे लेके आप तक. एक काम करो आप स्क्रीनशॉट लाइन का. हाँ स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको मतलब थैंक यू गॉड फॉर द मतलब यहाँ पर आपको ये मिसिंग दे रखा है. एक मिनट में आपको यहाँ पर आपको मिसिंग लाइन दे रखी है. यहाँ पर आपको वो पोयम भरना है जो पोयम यहाँ पर आना था. ठीक है. यस मैम. हाँ तो एक तो ये आपको करके लेके आना है, यानी क्वेश्चन बी सी और डी है क्वेश्चन आंसर. तो ये मैं भेज दूंगी आपको, ये नहीं करवा. राइट ए शॉर्ट. हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले लो. और आपको एक छोटा सा काम करके लेके आना है, जैसे आप भगवान को प्रेयर करते हो वैसे उसमें आपको छोटी सी लाइन लिखनी है. जैसे कि उस बच्चे ने किया कि वो हर चीज के लिए वाहेगुरु को मतलब ऊपर वाले को थैंक यू कर रहा है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग.
तो आपको जैसे आप अल्लाह को या भगवान को प्रेयर करते हो, यानी नमाज पढ़ते हो, मंदिर जाते हो, जैसे भी आप लोग प्रेयर करते हो, उसकी कम से कम दो तीन लाइन आपको लिख के लिखे, ठीक है? ओके मैम। और अपना ये कंप्लीट करके लिखे ना, बस इतना ही होगा कि आपसे। ओके मैम। स्टोरी की अगर आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप इसकी ले लो स्क्रीनशॉट। ओके मैम। Done. मैंने ले लिया। सबने ले लिया? Yes ma'am. मैम मैंने ले लिया, रुकी रुकी। ओके सो वेरी गुड। तो आज का हमारा मोरल वैल्यू का चैप्टर फर्स्ट डन है, कल हम अपना शुरू करेंगे द वैल्यू ऑफ टाइम। ओके ओके मैम। ओके बस आज की अभी यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। बाय 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 ऑल। बाय मैम।